उत्तराखंड के 12 जिलों में यात्रा पूरी कर आज देव याचना यात्रा उधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर पहुंची, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही यात्रा का समापन खटीमा शहीद आंदोलनकारी स्थल में किया जाना है। इस दौरान यात्रा के संयोजक पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार की नाकामियों को लोगों तक पहुंचाना है। यात्रा के माध्यम से पार्टी द्वारा 35 बिंदुओं को रखा गया है। अगर 35 बिंदुओं पर सरकार विचार नहीं करती तो वह विधानसभा और सचिवालय में तालेबंदी भी करेंगे। यही नहीं, 15 अगस्त से वह सरकार के खिलाफ जनचेतना, जनसंवाद और जवाब दो यात्रा निकालेंगे। मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि 15 फरवरी को रामपुर से उत्तराखंड आंदोलनकारी शहीद स्थल से प्रारंभ की गई थी। आज यात्रा का अंतिम दिन है। यात्रा का समापन खटीमा शहीद स्थल में किया जाना है। इस दौरान उन्होंने बताया कि यात्रा 13 जिलों में 4500 किलोमीटर चली है। यात्रा तमाम धर्मों के 98 धर्म स्थलों पर पहुंची, जहां पर उन्होंने बीजेपी द्वारा कांग्रेस को बदनाम करने को लेकर देवालयों में याचना भी की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 35 बिंदुओं पर कार्यवाही नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। अगर सरकार अपने अड़ियल रवैये में रहती है तो 15 अगस्त को कांग्रेस पार्टी धारचूला के नारायण आश्रम से हिसाब दो जवाब दो पद यात्रा निकालेगी, जो गंगोत्री में समाप्त की जाएगी। बजट पर बोलते हुए कहा कि सरकार बजट सत्र को मात्र 4 दिनों में खत्म करना चाहती है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी जोर शोर से करेगी। लालकुआ से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अब तक जो है ये जो देव याचना, देश बचाओ, उत्तराखंड बचाओ और संविधान बचाओ, ये जो देव याचना यात्रा कांग्रेस की है, ये रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर से, जहाँ पे आंदोलनकारी शहीद स्थल है हमारा, वहाँ से 15 फरवरी को प्रारंभ हुई थी और जिसका शुभारंभ हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने किया। और आज यात्रा यहाँ पर जो है 4500 किलोमीटर चल के पहुँची है। पूरे 13 जनपदों में 12 जनपद पूर्ण करने के बाद 13वां जनपद उधम सिंह नगर है और आज यहाँ पर, यहाँ से आगे खटीमा में इस यात्रा का शहीद स्थल पर समापन होगा। इस यात्रा को देव याचना के माध्यम से हमने इसलिए चलाया कांग्रेस ने कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन उनसे जुड़े हुए हैं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही latest खबरें पाने के लिए bell icon को click कर हमारे channel को like, share and subscribe करें। धन्यवाद।